अब तक आपने देखा। दरअसल माता जी, एक रिश्तेदार के यहाँ किसी जरूरी फंक्शन में जाना था, सो आपके यहाँ पढ़ाने के लिए घंटा पहले आऊंगा। हाँ हाँ, मैं बता दूंगी। जी माता जी, प्रणाम। मेरी जी, जरा गंगा को बुला तो। तू भी अच्छे से गीता पाठ सुन और सबके साथ साथ तू भी पाठ करती जा। अगर मास्टर जी आगे तो? मास्टर जी 4 बजे आने वाले हैं। कैसे हैं? गंगा की पढ़ाई ठीक से चल रही है ना? मैं क्या कहूँ वकील बाबू, बच्ची का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, अब तक नहीं आई। तू यहाँ क्या कर रही है? अच्छा मास्टर जी 1 घंटे से वेट कर रहे हैं तेरा। 1 घंटे से? पर वो तो चल जल्दी। गंगा कहाँ गई थी? पंडाल में। कौन से पंडाल में? जहाँ पाठ चल रहा था। क्यों? अब आगे जवाब दो गंगा, तुम पंडाल में क्या करने गई थी, वो भी पढ़ाई के टाइम पर? सोचा होगा कि पूजा पाठ है तो खूब सारा भोज खाने को मिलेगा, इसीलिए पेट पूजा करने चली गई होगी, चटोरी कहेगी। किससे पूछ कर गई थी? अरे मुझे क्या पता था कि ये मास्टर के टाइम पे गई है। टाइम पे ही तो? कहाँ टाइम पर, 1 घंटा तिवारी जी वेट करके चले गए। अभी समय की कदर नहीं है किसी को, खास करके आजकल के बच्चों को। पता नहीं कब समझेंगे कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। अगर सही समय पर सही काम नहीं किया तो सारी मेहनत बर्बाद हो सकती। जिंदगी में डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत जरूरी होता है, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे मन में अनुशासन के लिए कोई लगाव है, कोई इज्जत है। छोड़े ना, बच्ची है, एक बार गलती हो गई आगे से ध्यान रखेगी। नहीं माधवी, क्या गारंटी है कि आज के बाद ये इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगी? कल ही पुलकित को मैंने इसका उदाहरण दिया था कि कुछ सीखो गंगा से, लेकिन आज गंगा ने निराश कर दिया मुझे। पढ़ाई के मामले में जिस तरह की लापरवाही पुलकित कर रहा है, वही गंगा कर रही है। अरे नीरू नीरू, कितना गुस्सा करेगा, अब तू ही तो कहता है ना है? एक ही बच्ची है, इतना डांटना नहीं चाहिए। हाँ जब मैं उसको समझाऊंगी, जा चाय वाय कर उसको। हाँ, इसको समझाने की जिम्मेदारी मेरी। चल गंगा चल चल। महाराज जी चाय बनाइए। एक लड़की, नीरू की बात को दिल से लगाने की कोई जरूरत नहीं। डांटा है तो क्या हुआ, कितना लाड भी तो करता है तुझे है? जब देखो तेरी तारीफ ही करता रहता है। अब थोड़ा बहुत डांटने का, नाराज होने का अधिकार तो रखता है ना वो। डांट खाने का दुख नहीं है माँ जी, बाबू हमरे कारण परेशान है उस चीज का दुख है। पर हम टाइम से ही तो आए हैं, ठीक 4 बजे। हाँ तू तो बिल्कुल सही टाइम पे आ गई थी। अरे ये मास्टर है, 1 घंटा पहले आ गया। किसी कहा था उसे 1 घंटे पहले टपक पड़ने की? ऐसा थोड़ी होता है। हाँ तेरी शिकायत करके तुझे डांट भी पड़वाया। पता नहीं बाबा किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है वो तेरे साथ। दुश्मनी? वो भी हमरे साथ? अब ऐसा ही लग रहा है मुझे, तूने परेशान किया ना, शैतानी की ना उनके साथ, तो बस बदला निकाल रहा है। बाबा पूरे पूरे दुनिया के सारे जो शिक्षक होते हैं ना, वो बच्चों के दुश्मन होते हैं।
यही सिखाया था मैंने तुम्हें। हटे हटे। हाँ, एकदम सही कहा तुमने। ये वाले मास्टर जी भी बहुत खराब है। हम अभी जाके बाबू को सब बता देते हैं। अरे अरे जैसे कि तू बोलेगी और वो मान लेगा तो फिर कैसे मानेंगे बाबू? देख मैं कुछ करती हूँ, मैं मास्टर के बारे में नीरू से बात करती हूँ, पर तुझे वही करना होगा जो मैं कहूंगी। करेगी ना? पक्का बता दोगी ना तुम बाबू को? मना लोगी ना उन्हें? समझा लोगी ना उन्हें कि हमारी कोई गलती नहीं है, उस मास्टर की है और हमें उनसे नहीं पढ़ना? बोलना अम्मा जी, बाबू को संभाल लोगी ना? हाँ हाँ, मैं संभाल लूंगी ना, संभालूंगी। पानी लाना सला। इतना ज्यादा गुस्सा किसी के लिए भी ठीक नहीं निरंजन बाबू। आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा और उस बच्ची के मन पर। कहीं ऐसा ना हो डर उसके अंदर बैठ जाए। उम्र ही क्या गंगा की, और इस उम्र में बच्चों से छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। मुझे पता है राघव जी, बच्चों से गलतियां होती हैं, शरारत भी करते हैं, और मैं 100 शरारतें 100 नादानियां माफ कर सकता हूँ, लेकिन बच्चों की पढ़ाई की तरफ लापरवाही ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। पुलकित भी जब अपनी स्टडीज को सीरियसली नहीं लेता है तो बहुत बुरा लगता है मुझे, डांटना पड़ता है उसे। ना समझ है बच्चे राघव जी, ये समझते नहीं है, जान नहीं पाते कि पढ़ाई से मुंह फेर कर खुद अपने फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। क्लास बंक करने में, घूमने फिरने में मजा आता है उन्हें, अंजाम क्या होगा नहीं जानते। अब ऐसे में हम बड़े ही तो उन्हें रास्ता दिखाएंगे ना, प्यार से, डांट से, अनुशासन से। कौन है भैया जी? आपसे कोई मिलने आया। आइए। मैं कम इन निरंजन बाबू। अरे सक्सेना साहब आइए आइए, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए बैठिए, कहिए कैसे आने हुआ? निरंजन बाबू कोर्ट में तो अक्सर मिलते रहते हैं, एक दूसरे के सामने खड़े होकर बहस भी करते हैं, लेकिन कभी कभी कोर्ट के बाहर भी मिलना चाहिए, विरोधी बनकर नहीं, कम से कम एक दोस्त की हैसियत से। ऑफ कोर्स सक्सेना साहब, ऑफ कोर्स, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बार काउंसिल में आप लोगों को ढूंढ रहा था, पता चला आप लोग वहां से निकल चुके हैं। जी आज एक ही सुनवाई थी, फ्री होते यहाँ आ गए। वैसे भी आपके घर आना ही था ये मिठाई देने के लिए। मिठाई किस खुशी में? कोई बड़ा केस जीता क्या आपने? जिंदगी का सबसे बड़ा केस जीत लिया मैंने। मेरे बेटे को नेशनल स्कूल ऑफ लॉ बैंगलोर में एडमिशन मिल गया। रियली कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। वाकई में इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है? बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, करियर में उनका नाम हो, हर माँ बाप यही तो सपना देखते हैं। मैं जानता था आपको खुशी होगी, इसलिए खुशखबरी देने चला आया। अब मैं इजाजत चाहूंगा, मैं चलता हूँ। ये क्या सक्सेना साहब, चाय हुआ है तो? अभी बहुत बिजी हूँ, जाना चाहता हूँ। भाभी जी को मेरा नमस्ते कीजिएगा। जरूर जरूर। क्या बात है निरंजन बाबू? बहुत अच्छा लगा सुन करके सक्सेना साहब के बेटे को नेशनल स्कूल ऑफ लॉ बैंगलोर में एडमिशन मिल गई। कैसे शान से चेहरा चमक रहा था उनका। पता नहीं मेरी जिंदगी में इस तरह की खुशी आएगी भी यार। ऐसा क्यों कहते हैं, सागर तो अच्छा है ना पढ़ाई में। लेकिन पुलकित का जरा भी मन नहीं लगता, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, और बिना इंटरेस्ट के कोई काम नहीं होता, पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं। निरंजन बाबू पुलकित तो मुझे बड़ा सुलझा हुआ लगता है, जिम्मेदार भी है, उसकी चिंता मत कीजिए, उस पर दबाव डालने की कोई जरूरत नहीं लगती मुझे। देखिए हर बच्चे का अपना स्वभाव होता है, सीखने समझने की क्षमता सब में एक सी नहीं होती है, समय के साथ साथ पुलकित में भी वो गंभीरता आ जाएगी। आपको नहीं पता राघव जी, अपने बड़े बेटे के लिए कितने सपने देखे हैं मैंने, सोते जागते बस पुलकित की तरक्की हो, शोहरत मिले उसे, अच्छा नाम हो, खूब अच्छा इंसान बने,
यही चाहे मैंने। क्या गलत किया? अपने बच्चों के लिए सपने देखना कोई गुनाह तो नहीं है ना? मैं बाप हूं पुलकित का, कोई दुश्मन तो नहीं, लेकिन बच्चे हैं कि समझते ही नहीं कुछ। मिशन से लौटा हूं। अरे हाँ बाबा, आ रहा हूं आ रहा हूं, दो मिनट। हाँ पुलकित, अभी तो आया है, कहाँ जा रहा है? थोड़ी देर के लिए फ्रेंड के घर जा रहा हूँ। दोस्तों से एग्जाम के बाद भी मिला जा सकता है ना, अभी कहीं नहीं जाना है, चलो। मम्मी पूरा दिन तो पढ़ते रहता हूँ और अभी भी ट्यूशन से आ रहा हूँ, और 10-15 मिनट बाहर जाऊंगा, थोड़ा फ्रेश फील करूंगा, मैं जा रहा हूँ। पुलकित, तुझे पता है ना कि तेरे पापा को ये सब पसंद नहीं? ये क्या बात हुई मम्मी, उनको वो चीज पसंद है इसलिए वही करो, उन्हें वो चीज नहीं पसंद इसलिए वो मत करो। क्या हम सबको उनकी मर्जी से जीना पड़ेगा? हमारी अपनी कोई मर्जी, कोई इच्छा नहीं? अरे नहीं बनना है मुझे लॉयर, लेकिन पापा जिद पे अड़े हैं कि मेरा बेटा तो बस लॉयर बनेगा। मुझसे पूछा भी नहीं कि बेटा तू क्या बनना चाहता है, ये तो गलत बात है ना मम्मी। आपको पता है मैं पापा से इतना डरता हूँ कि मैंने अपने सारे स्पोर्ट्स मेडल्स और ट्रॉफी अलमारी में छुपा के रखे, क्योंकि उनके लिए सिर्फ पढ़ाई 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 में अच्छे मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है। वो चाहते कि हम सब उनकी तरह बने, उनकी तरह सोचे, उनका हर एक ऑर्डर माने। सॉरी मम्मी, अब और नहीं होता, दम घुटने लगा है मेरा यहां। बाबू को दिल नहीं दुखाना चाहते थे हम, पर वो मास्टर जी बदला ले रहे हैं ना हमसे, इसलिए बाबू को बोल के डांट पड़वाती हमें। सच कहूंगा, मास्टर जी बदला ले रहे हैं तुझसे, इतने बुरे हैं वो? हाँ बहुत बुरे, तुम नहीं जानते, पर हम सब अच्छी तरह से समझ गए हैं। गंगा, अगर तेरे मास्टर जी तेरे साथ यहाँ पर बदला लेने आते हैं, फिर तो तू गई। डर नहीं लगता तुझे? नहीं, हम नहीं डरते, इस बार तो अम्मा जी भी हमारे साथ हैं। आज बाबू के गुस्से से उन्होंने तो हमें बचाया। पहले ना अम्मा जी से बहुत डरते थे हम, और वो हमें अच्छी भी नहीं लगती थी, पर वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। देखा, मैंने कहा था ना मेरी दादी बहुत अच्छी है, पहले वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करती थी, अब तेरे साथ भी अच्छे से बात करने लग गई है। तुम दोनों की दोस्ती हो गई, मैं बहुत खुश हूँ। ले एप्पल खा। अरे फ्रूटी है, दादी ने डाटी की तुझे। वाह, क्या खूब कहा लियो टॉलस्टॉय ने। एवरीवन थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड, बट नो वन थिंक्स ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ। क्या हुआ, परेशानी? नाराजगी से नहीं, पर एक बार प्यार से बात करके तो देखिए पुलकित से, पता तो कीजिए कि वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है। क्या करना चाहता मतलब? अभी उसे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है ईमानदारी से, उसके बाद दुनिया के बेस्ट लॉ कॉलेज से डिग्री लेकर लॉयर बनना है। बहुत बड़ा और नामचीन लॉयर, अपने पिता की तरह हाई कोर्ट का लॉयर नहीं, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनेगा वो। लेकिन वो वकील नहीं बनना चाहता। उसके चाहने न चाहने से क्या होता माधवी, कितनी अकल है उस लड़के में जो अपनी मर्जी चलाएगा वो। अगर जरा सी डील दे देंगी ना तो देखना, सारा दिन अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारता रहेगा वो। तुम क्या चाहती हो बताओ? छोड़ दूं पुलकित को उसके हाल पे, करने दूं उसे उसकी जिंदगी का फैसला? मैंने पुलकित के लिए बहुत कुछ सोच रखा है माधवी। मैं चाहता हूं कि दुनिया के सबसे बड़े लॉ कॉलेज से सबसे बड़ी डिग्री हासिल करके वो एक लॉयर बने और हमारे परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाए और खानदान का नाम रोशन करे वो। माँ बाप होने के नाते हम अपने बच्चे का भला ही चाहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हो सकता है ना कि पुलकित ने अपने लिए कुछ और सोच रखा हो। आखिर उसकी जिंदगी है, उसके भी कुछ अपने सपने होंगे, वकालत के बजाय शायद कुछ और काम करना हो उसे। हर किसी के अपने कुछ शौक होते हैं, हो सकता है अपने टैलेंट के हिसाब से कुछ करे। शौक और टैलेंट, हुनर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। शौक पूरा करने के लिए मैं अपने बच्चों को मना नहीं कर रहा हूँ,
स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई को दांव पर लगा कर नहीं। और रही बात टैलेंट की, तो आई एम सॉरी, मुझे पुलकित में कोई टैलेंट नजर नहीं आता। मतलब ऐसी कोई कला है जिसे वो अपना करियर बना सके। तो समझा दो अपने पुलकित को कि माँ बाप से बढ़कर बच्चों की भलाई और कोई नहीं सोच सकता। कि तुम्हारा मेरा क्या है? मैं ये कह रही हूँ कि बस मान लो, इस बारे में जो मुझे कहना था मैं कह चुका। अब इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं। अगर उसे अपने पापा पर भरोसा है, वो बात मानता है, तो अपनी जिंदगी बर्बाद करने से बच सकता है वो। वरना मेरी जिंदगी, मेरे सपने, अरे जिंदगी देखी कहाँ है उसने? और सपने टूटने की तकलीफ क्या होती है वो जानता है वो? ईश्वर ना करेगे मुझे कभी वो तकलीफ सहनी पड़े। लेकिन पुलकित की हरकतें यही बता रही हैं कि अगर सख्ती से काम न लिया तो मेरी उम्मीदों को जिंदा नहीं रख पाएगा वो। यदा यदा ही धर्मस्य धार्ये भगवति भारत। तो क्या कर रही है गंगा? श्लोक याद कर रहे थे। आज भी पंडाल में जाना है का? हाँ, जाके क्या होगा, वो तो मिश्राइन ने एक दिन के लिए रखी थी ना गीता पाठ। तो फिर श्लोक कैसे याद करेंगे हम अम्मा जी? मंदिर में जाके पंडित जी से सीख ले। अरे नहीं नहीं, आज कहीं मत जाना। देखा नहीं कल मास्टर ने कितना तमाशा किया था, चुगली करके डांट पड़वाई थी तुझे। तो फिर क्या करें हम अम्मा जी? नहीं, मुझे नहीं लगता आज तू कहीं जा सकती है, इसलिए मास्टर के साथ पढ़ने के अलावा कोई और चारा नहीं। ये कैसे होगा अम्मा जी? मास्टर जी ने तो हमें पाठ याद करने को कहा था, पर हमने तो किया ही नहीं। श्लोक याद कर रहे थे ना हम। फिर तुम मास्टर जी बहुत गुस्सा हो जाएंगे, कहीं मारने लगे तो। वो हमारे गांव वाले मास्टर जी भी बहुत मारते थे हमें, ये भी वही निकले तो। अच्छा, तो इसलिए तुम मास्टर और पढ़ाई के नाम पे इतनी परेशान हो जाती है? जिंदगी भर अंगूठा छापी रहेगी क्या? मत मारो मास्टर जी, मत मारो। उस दिन के बाद स्कूल गए ही नहीं हम, इतनी मार खाई कि छड़ी देखते ही डर लग जाता है हमें। ओहो, छड़ी देखते ही तुझे डर लगता है? मास्टर लोग भी ना बड़े कठोर होते हैं। लेकिन तू डर मत लड़की, मैं तिवारी से बात करूंगी कि भाई ये क्या बात हुई, ये मारपीट से पढ़ाई सही नहीं है, ये सही से पढ़ाओ बच्चे को। अब कोशिश करूंगी, पता नहीं शायद मेरी बात मान जाए और तुझ पर हाथ ना उठाए और छड़ी से तुझे ना मारे। अगर वो तुम्हारी बात ना माने तो भगवान तेरी रक्षा करे। अब मैं क्या बोल सकती हूँ? हरे कृष्ण हरे मुरारी। तूने परेशान किया ना, शैतानी की ना उनके साथ, तो बस बदला निकाल रहा है। तो भगवान तेरी रक्षा करे। जमाना था जब बनारस में खाद खाद हुआ करती थी, अब देखो कंकड़ पत्थर। अरे क्या है? आ गई वो। कौन? अरे वो मास्टर जी है ना, तुम ही उनको बोलोगी ना कि गंगा को मत पीटना, हाथ से भी नहीं और छड़ी से भी नहीं। प्रणाम माता जी। तिवारी आ गए। जी माता जी। क्यों भाई तिवारी, अपनी तबीयत का ध्यान रखते हो कि नहीं? जी माता जी। क्या बिल्कुल माता जी, देखो अपना चेहरा कैसे धूप से लाल हो गया है।
अब धूप का क्या कर सकता हूँ माता जी, गर्मी का मौसम है, ऊपर से स्कूटर से आना जाना ये तो स्वाभाविक है माता जी। महाराज जी। जी अम्मा जी। मास्टर के लिए एक बढ़िया सा केवड़े का शरबत बनाओ और मेरे कमरे में ले आओ। आपके कमरे में? हाँ मेरे कमरे में, कोई दिक्कत है? अरे खड़े क्यों हो जाओ जी। नहीं नहीं रानी जी, माता जी मैं तो बच्ची को पढ़ाने के लिए आया हूँ। हाँ भाई पढ़ा लेना, दो घड़ी चैन से सांस तो ले लो, कहाँ भागी जा रही है। हाँ मास्टर जी हम यहीं पर हैं, तुम शरबत पी के आ जाओ। ये भाई संकोच किस बात का, आओ चलो कमरे में। जूते जरा बाहर। जी माता जी। अब तो अम्मा जी शरबत पिला के एकदम सही कर देंगी मास्टर जी को।